नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं बात करूँगी करवा चौथ व्रत के बारे में। देखिए दोस्तों, करवा चौथ व्रत आने वाला है। आप सभी जानते ही होंगे कि करवा चौथ का व्रत आने वाला है। इस करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चौथ को मनाया जाता है। इस बार करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर दिन रविवार को रखा जाएगा। करवा चौथ का व्रत सुहागण महिलाएँ अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और उन्नति तरक्की के लिए व्रत रखती हैं, और वहीं कुंवारी लड़की भी इस व्रत को अपने अच्छे घर बार की प्राप्ति के लिए करती हैं। परंतु कुंवारी लड़कियों के व्रत रखने के नियम अलग होते हैं और सुहागण महिलाओं के व्रत रखने के नियम अलग होते हैं। दोनों के नियम अलग अलग होते हैं, परंतु कुंवारी लड़कियाँ व्रत तो रख सकती हैं, परंतु इनके नियम अलग होते हैं, और कुंवारी लड़कियाँ अपने नियमों के अनुसार ही व्रत करें तो ज़्यादा अच्छा है। करवा चौथ का व्रत निर्जला रखा जाता है। करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से लेकर शाम को चंद्र उदय तक रहता है। चंद्र उदय होने के बाद चंद्रमा को अर्घ देकर अपने पति के हाथों से जल ग्रहण करके और उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद लें और बड़ों का आशीर्वाद लें, बड़ों को खाना खिलाएँ। बड़ों को भोजन कराने के बाद आप खुद भोजन ग्रहण करें। इस तरह आप चंद्रमा को अर्घ देकर अपने व्रत का पारण कर सकती हैं। बाकी जैसे आपके घर परिवार में रीति रिवाज हो वैसे आप कर सकते हैं, क्योंकि हर घर परिवार के हर क्षेत्र के कई बार नियम अलग होते हैं। हमारे घर परिवार में तो यही नियम है कि सुबह सूर्य उदय से लेकर शाम को चंद्र उदय तक व्रत किया जाता है। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद और पति के हाथों से जल ग्रहण करने के बाद, बड़ों का आशीर्वाद लेने के बाद और उन्हें भोजन कराने के बाद हम खुद भोजन करते हैं। इसी तरह हम व्रत का पारण करते हैं। वैसे बाकी आप अपने घर परिवार के हिसाब से ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब मैं बात करूँगी चतुर्थी तिथि कब से कब तक रहेगी। चतुर्थी तिथि 20 अक्टूबर 2024 दिन रविवार को सुबह 6:45 से लेकर समाप्त होगी 21 अक्टूबर 2024 को 4:16 तक। करवा चौथ व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम 5:46 से लेकर 7:02 तक का। करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 5:46 से लेकर 7:02 तक का। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा। करवा चौथ व्रत रखने का समय है सुबह 6:25 से लेकर 7:53 तक का समय करवा चौथ व्रत रखने का है, यानी कि कुल अवधि 13:29 तक करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। अब मैं बात करूँगी चंद्रोदय का। चंद्रोदय होगा शाम 7:54 पर। 7:54 पर आप चंद्रमा को अर्घ दें और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद आप पति के हाथों से जल ग्रहण करें और आप अपने व्रत का पारण कर सकती हैं। करवा चौथ का व्रत अखंड सौभाग्य के लिए सुहागण महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं। इस दिन करवा माता की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती, जनी के पूरे शिव परिवार का भी पूजन किया जाता है, और इस दिन चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही इस व्रत को खोला जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।